एक गांव में संपत नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। संपत एक अनाथ था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ चौधरी जी, देखिएगा आज की दाल खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ। बस चौधरी जी कुछ देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में मैं सारे ग्राहकों को भोजन लगाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद संपत ने ग्राहकों को भोजन लगा दिया। संपत के हाथ की बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं है चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपकी पत्नी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनती रहती है, भोजन तो अपने गांव का संपत बनाता है, उसकी तारीफ करने में क्या आपका हलक कड़वा हो जाता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। चौधरी क्रोधित होकर अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी रसोई घर में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक काम कर सकती हूँ, मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी, जरा सोचो कल को ये संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा, लोगों को इसके हाथ के बने हुए भोजन का स्वाद लग गया है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ये भोजन उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं, कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तभी चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत आज से मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं हूं ना भोजन बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिनों बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को विश्वास दिला दिया कि जो भोजन उसके ढाबे में दिया जाता है वो भोजन उसकी पत्नी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहां पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप, मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब, जहां तक मैं जानता हूँ मैं तो बहुत मेहनत से खाना बनाता हूँ और मैंने आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब, जहां तक मुझे याद है जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से तो आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा से बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी समस्या है मेरी नहीं, आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और धनवान है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ, कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी मैं सिर्फ भोजन बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं भी अपने गांव में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हैं क्या, जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो,
उसके लिए जितना भी धन लगेगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहां पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी, उस नालायक ने अपना ढाबा गांव में खोल दिया है। अब ग्राहक मेरे ढाबे पर कम उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसी बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करवा दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अपनी लोमड़ी जैसी बुद्धि से कोई योजना तो सोचनी ही पड़ेगी। चौधरी ने बड़ी चलाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से भोजन में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंकाया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति क्रोधित होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा, तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सबका पेट खराब है। उन सबके जिम्मेदार तुम हो, तुमने जरूर भोजन में कुछ ना कुछ मिलाया है। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने भोजन में कुछ भी नहीं मिलाया। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा, अपना भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, संपत तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे, परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसे की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ, आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिया हुआ एक हाईवे के घने पेड़ के नीचे बैठकर अपने किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी गांव वाला नहीं आया, लेकिन मैं इस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को नहीं तोड़ने दूंगा। संपत ने एक चील को वहां से भगा दिया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले के ऊपर बैठी हुई चिड़िया संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? बरसों पहले एक श्राप के कारण मुझे चिड़िया बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और देखो मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास धन नहीं है। एक घर था वो भी तुमसे छीन लिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला आज से तुम्हारा घर होगा। और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस सुंदर लड़की ने अपना हाथ घोंसले के आगे कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गया।
जिसकी सीढ़ियां बहुत सुंदर लकड़ी की बनी हुई थी। ये घोसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो सुंदर लड़की वहाँ से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5-स्टार होटल जैसा था, जहां पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5-स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहां पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहां पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक सुंदर युवक बाहर निकलकर संपत से बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस तरह के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ विदेशों में ही देखे हैं, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट पे हर तरह का भोजन उपलब्ध है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार कर दिया। भोजन खाकर वो युवक उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो मैंने एक से बड़े एक 5-स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस घोसला रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वो युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत सी अमीर फैमिली के लोग थे। संपत का घोसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। मगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया, उसके घोसला रेस्टोरेंट में शहर के अमीर लोग आते हैं और गांव के लोगों को वो अपने घोसला रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खिलाता है। वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि उसके घोसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलकर आज रात ये शुभ काम कर ही देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर उस पेड़ पर पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके शरीर में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बहुत बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट के नीचे आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ, आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोसला रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की हमारे शरीर में जलन महसूस होने लगी। आज तो ये गलती कर ली है मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई, इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके शरीर की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोसला रेस्टोरेंट चलाता है। बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है।
अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक दो मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ, शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो, मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना, मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊँगा शहर, देखा मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए? अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो, तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा, दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो, ये हुई ना बात, अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, अब नहीं कहूँगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप, अब देखना कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए, हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता।
ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारे बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? करना क्या है, जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए, वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है, आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब, ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है, पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है। क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर, सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं। और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहाँ करिया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। छतरपुर में बारिश ना होने की वजह से जमीनें सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से करिया अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में, मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले, अगर मैं पैसे ना बचाऊं तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही प्रेमा रखा है माँ बाप ने, प्रेम तो दूर दूर तक नहीं है। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है, मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे ये सब। करिया प्रेमा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे नंदू पहलवान नजर आया। अरे नंदू भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये एक मैं आम लेकर आया हूँ यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा, गंदे नाले के पास से? वहाँ आम कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। नंदू सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है मोटी बुद्धि का, इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास भी कोई नहीं भटकता और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है, मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। करिया उस गंदे नाले के पास चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है। यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ये नंदू बुड़बक को किसने आम दे दिया,
मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही करिया वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से एक गांव के भिखारी ने आवाज दी। क्यों बे, आम लेने आया है? कौन हो तुम और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी मांग रहे हो, तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है लगता है। भिखारी के इतना कहते ही करिया को क्रोध आने लगा और तब करिया ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मन पसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। करिया उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, वाह वाह, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, चले की जिंदगी बिल्कुल भाग भाग, वाह वाह, देखा तुमने, मैं तो गायक भी हूँ। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। करिया ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तुम मुझे क्या देने वाले हो? इमली, मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम इसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और जादू देखना। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया, लेकिन करिया उस इमली को देखकर सोचने लगा, ये कैसी इमली है, कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खा गया और आम की जगह दे भी गया, तो क्या ये इमली। करिया उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्रेमा को देकर कहने लगा, भाग्यवान, ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला, इसे हमें खाना ही होगा ना? हाँ खा जरूर लेना, और ध्यान रखना इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है और तुम चले इमली बोने के लिए, वाह इतने मेहनती कब से हो गए? लो अब तुम्हारा झगड़ा शुरू, चलो जाओ घर के काम करो। प्रेमा ने इमली खा लिए और उसके बीज को करिया को थमा दिया। करिया उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहां जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा ठीक नाले के पास। ये हो गया इमली बोने का काम पूरा, कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह करिया उस इमली के पेड़ के पास गया और वहां जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला, कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई ना कोई बात तो है और इस पर इतनी सारी इमलियां नजर आ रही हैं, मुझे इमली तोड़ने होंगे। करिया उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा और जैसे ही इमली करिया ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरों की बौछार होने लगी, छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरों को देखकर करिया चौंक गया, ये हीरे कैसे हो सकते हैं? आए मैं माला माल हो गया, कमाल हो गया, आए यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर करिया उसी भिखारी को ढूंढने लगा, जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौंक कर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है, इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अरे बाबा, मैं हूँ तो साधारण इंसान ही, तुम्हें और भी हीरे चाहिए हो तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है, जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया। मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। करिया सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी प्रेमा को दे देता है और प्रेमा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे, बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भाग्यवान, मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे एक साल बीत जाने के बाद जब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते, तब प्रेमा करिया से कहती है,
क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले? उस नाले के पास हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि करिया और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं? छी छी, मैं नहीं करूँगा ये सब। जी, आपको मेरी कसम। करिया और प्रेमा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे एक महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा, सारी जमीन जायदाद घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो, हो गया ना। करिया और प्रेमा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, करिया की नजर नाले के पानी पर पड़ी और उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। हुर्रे, हीरे मिल गए। हुर्रे, मैंने कहा था ना तुमसे कि हीरे मिल जाएंगे। देखो, हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति क्या साफ की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेमा और करिया दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।